अरे राखी यार, और कितना टाइम लगाएगी तू? एक घंटे से भूखा बैठा हूं पिछले, खाना नहीं बना अभी तक। यार ये क्या ड्रामा है तेरा, रोज का रोज। अरे मैं बनाई तो रही थी, बनाई तो रही थी। ये सारा दिन खाली रहती है तू, तुझसे खाना नहीं बनता दो टाइम का? तुम भी ना, अभी तो तुमने बोला था थोड़ी देर पहले, तो मैं ले आई ना बनाकर। अब खा लो, मुझे और भी काम देखना है किचन में। क्या बनाया आयो? राखी, राखी, अरे क्या बनाया है यो? क्या हुआ जी? क्या बनाया है अभी यो? है क्या ये? तोरी की सब्जी है। तोरी की सब्जी है, नमक कौन डालेगा इसमें? तेरा बाप नमक डालेगा इसमें? तेरी ना चर्बी बहुत चढ़ गई है दिमाग में। तेरे को रोज बोलता हूँ खाना बनाना सीख ले। मैंने नमक कम इसलिए डाली थी क्योंकि कल मुझसे तेज हो गई थी ना। तो आज बिल्कुल डाल लेगी नहीं तुम? हाँ कितनी बार समझाऊं तुझे? कितनी बार बोला है मैंने खाना ठीक से बनाया कर। कभी नमक तेज कर देती है, कभी मिर्च, और कभी तेल नहीं डालती। हाँ, और इतने साल हो गए तुझे मेरे साथ, तुझे खाना बनाने नहीं आया? कब सीखेगी तू? बस थोड़ा सा नमक ही तो तेज हुआ था। शादी के वक्त तेरे बाप ने बोला था मुझसे कि लड़की को सब कुछ आता है। हाँ, और इतना बड़ा झूठ क्यों बोला मुझसे? हेलो, अरे कुछ नहीं यार, बस दिमाग खराब है। हाँ ठीक है यार, चल ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है सुनो, खाना बन गया, खाना तो खाते जाओ। बन गया ना खाना? ठीक है, तेरा खाना तूने बनाया ना तो तू खा, तेरा खाना तुझे मुबारक। मैं पार्टी में जा रहा हूँ, वही खा लूंगा दोस्तों के साथ। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं माँ। सिर्फ दहेज ना देने के कारण तुमने मुझे इस घर में भी आ दी। एक बार भी नहीं सोचा कि क्या हो रहा है मेरी बेटी के साथ। ये लो भाई। बहन बैठ। बहन, ये तेरे चेहरे पर चोट के निशान कैसे? भाई कुछ नहीं, मैं ना नहाते वक्त बाथरूम में गिर गई थी उस चीज के। सच बोल रही है तू? हाँ भाई, मैं भला क्यों झूठ बोलूंगी आपसे। अरे बहन, और कितना झूठ बोलेगी तू? तेरा भाई हूँ मैं पढ़ सकता हूँ तेरे चेहरे को। मुझे सब मालूम है कि राहुल तुझ पे कितने अत्याचार करता है। मैंने तुझसे कितनी बार बोला है घर चल घर चल घर चल, और तू उस इंसान की कितने दिन तक जुर्म सहती रहेगी? भाई मैं मानती हूँ कि वो मुझ पे अत्याचार करते हैं, मुझे पीटते हैं,
लेकिन वो जैसे भी हैं, है तो मेरे पति ना। और हाँ, जिस घर ले जाने की तुम बात कर रहे हो ना, वो घर मेरा नहीं है, मेरा घर अब ये है। मैं नहीं जाऊंगी घर। बहन तुम कैसी बात कर रही हो, उस घर में तेरा बचपन बीता है और अब उस घर को तू पराया घर बता रही है। देख तू माँ की गलती की सजा अपने आप को क्यों दे रही है, तू चल मेरे साथ। नहीं भाई, मैं नहीं जाऊंगी। तुझे मेरी कसम, तुझे मेरे साथ चलना ही होगा। भाई आप इतनी जबरदस्ती क्यों कर रहे हो, मैं कह रही हूँ ना मैं नहीं जाऊंगी। बहन तू मेरी बात को समझने की कोशिश कर, जब तक उस इंसान को अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता तब तक तू मेरे पास ही रहेगी, तू चल मेरे साथ। ठीक है भाई। राखी पानी लेके आ मेरे लिए एक गिलास। राखी पानी लेके आ मेरे लिए एक गिलास। आवाज नहीं आती तुझे राखी? राखी आवाज नहीं आई क्या तुझे? तेरी ऐसी कम तैसी, तेरा सारी रोज ये ड्रामा रहता है। बिना बताया तो मुझे कहीं जाती नहीं है, ये कहां चली गई? हेलो यार राखी कहां है तू? मैं तो घर आ गई थी अपने। घर आ गई थी यार, घर किसने बोला तुझे जाने के लिए? वो राकेश गया था ना आज, तो वो मुझे अपने साथ ले आया। ओ तो तेरा भाई आया था तुझे लेने? हाँ अच्छा, और तूने अपने पति को अपने हस्बैंड को बताना एक बार भी जरूरी नहीं समझा? क्यों, मैं क्यों जरूरी समझूं? जब तुम्हें मेरी कोई कदर ही नहीं है तो मैं क्यों बताऊं तुम्हें कि मुझे कहां जाना है कहां नहीं? वाह तो तेरी जवान अब इतनी निकल गई है कि तू अपने हस्बैंड को कुछ नहीं बताएगी, तू कहीं भी घूमेगी कहीं भी जाएगी मुझे नहीं बताएगी। हाँ वैसे भी तुम्हें मेरी जरूरत ही क्या है, तुम ही तो चाहते थे कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, तो मैं आ गई वहाँ से। तो साफ साफ बोलना कि तेरा मुझसे मन भर गया है, ब्लेम मत डाल मेरे ऊपर। बात मन भरने की नहीं है, जब तक तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास नहीं हो जाता मैं तब तक नहीं आऊंगी तुम्हारे पास। ओ तो तू अपने पैर पकड़वाना चाहती है मुझसे? हाँ ठीक है, अगर तेरी ये मर्जी है ना कि तुझे अपने भाई के पास रहना है तो तू वहीं रहे, और तुझे ऐसा लगता है ना कि मैं तेरे पास आऊँगा तुझसे माफ़ी मांगूंगा तो गलत सोच रही है तू, मैं तुझे कभी लेने नहीं आऊँगा। ठीक है, समझती क्या अपने आपको? मैं इसको लेने जाऊँगा, इसको लेने जाए मेरी जूती। सारी दो कौड़ी की लड़की, इसकी औकात कितनी मेरे सामने। समझते क्या अपने आपको? और इसका भाई जिस दिन मेरे पल्ले पड़ गया ना तब बताऊंगा।
राखी। जब तक तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास नहीं हो जाता मैं तब तक नहीं आऊंगी तुम्हारे पास। मैं भी किसे याद कर रहा हूँ जो मुझे छोड़कर जा चुकी है और जिसे मेरी दो टके की फिक्र नहीं है। क्या हुआ अगर वो चली गई तो? क्या मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता? मर जाऊंगा क्या मैं? इतना दम है मुझ में कि मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूं। खाना बनाना पड़ेगा अब। कोई नहीं बना लूंगा मगर उसे कभी याद नहीं करूंगा। उसे क्या लगता है मैं उसके बिना मर जाऊंगा? छी नहीं तो बनाना है। खाना बनाने में क्या रखा है? खाना बनाने के लिए उसके पैर छूं उसके घर जाऊं इतना कभी नहीं झुकूंगा मैं। लाइटर कहाँ है? सारा सामान इधर उधर रखती है। ये मैंने क्या किया उसके साथ? ये मुझसे क्या हो गया यार? वो कितनी फिक्र करती थी मेरी और मैंने छोटी छोटी बातों पर उसे मारा टॉर्चर किया। कितना जाहिल बन गया था मैं और मेरी गलतियों के कारण वो बेचारी घर छोड़कर चली गई। मुझे ऐसे इंसान को तो डूब कर मर जाना चाहिए। वो मुझसे कहती रही कि वो मुझसे कितना प्यार करती है और मैं, लेकिन मैंने उसके प्यार की वैल्यू कभी नहीं की। हमेशा बेचारी मेरे प्यार के लिए तरसती रही और मैंने जानवरों जैसा सलूक किया उसके साथ। लेकिन अब नहीं, अब बहुत हो गया। अब मैं उसको अपने आप से दूर कभी नहीं रहने दूंगा। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब उसे खुद से दूर कभी नहीं होने दूंगा। कभी नहीं होने दूंगा। अब क्यों आए हो यहाँ? राकेश मुझे माफ कर दे यार। चुप, एकदम चुप। किस मुंह से माफी मांग रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है तुमने मेरी बहन पर कितने अत्याचार किए हैं, कितना टॉर्चर किया है? अरे वो तो पागल तुमसे अभी भी उतना ही प्यार करती है। राकेश मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है।
मैं माफी मांगता हूँ यार तुझसे, मुझे माफ कर दे। अरे किस मुंह से माफ कर दूं मैं तुम्हें? अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें वहीं पर जिंदा गाड़ देता। और हाँ, वैसे भी अभी इस माफी को मांगने का कोई। तुम यहाँ? राखी, मुझे माफ कर दे यार। अब ये कौन सा नया ड्रामा है तुम्हारा? ड्रामा नहीं कर रहा हूँ मैं यार, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैंने बहुत टॉर्चर किया तुम्हें, मारा कूटा छोटी छोटी बातों पर। छी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ओह, तो तुम्हें ये रियलाइज हो गया कि मेरे बिना नहीं रह सकते तुम। खैर, देर से ही सही, मगर तुम्हें अकल तो आई। चलोगी ना मेरे साथ राखी? नहीं, ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, और तेरे पास तो बिल्कुल नहीं। राखी भैया को समझाओ ना, गलती इंसान से होती है। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं कसम खाता हूँ आज के बाद मैं कभी राखी को परेशान नहीं करूंगा। हाँ, मैं मानता हूँ गलती इंसान से होती है, एक बार होती है, दो बार होती है, लेकिन इंसान से गलती बार बार नहीं होती। राखी प्लीज समझाओ ना भैया को, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। राखी प्लीज, मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी यार, नहीं होगी। ठीक है, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। भैया, और आप भी तो यही चाहते थे ना कि इन्हें इनकी गलती का एहसास हो जाए। तो देखो, हो गया इन्हें इनकी गलती का एहसास, और ये मुझे लेने भी आ गए। भैया, मैं आपसे भी हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दे यार राकेश। नहीं जीजा जी, आप माफी मत मांगिए, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफी है। और मैं तो यही चाहता था कि मेरी बहन जहाँ भी रहे वो खुश रहे। और जीजा जी, आप यहाँ पर क्यों खड़े हो? आइए ना, चलिए अंदर। चलो राकेश।